साइकोलॉजिकल क्लासेस, जैसे कि आप हमेशा देखते रहते हैं कि मैं आपके लिए नई नई ट्रिक्स और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज लेके आती हूँ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, अलग अलग ट्रिक्स आपके सामने आता है। वैसे ही इस बार हम थोड़ी सी न्यू ट्रिक लेके आए, जैसे कि प्राइज एंड अवार्ड्स, कब किसको मिले और किस चीज पे मिले, इस पे बेस्ड होगा ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सन सबको याद रहता है कि कब क्या मिला, लेकिन ये जल्दी याद नहीं होता कि किस चीज के लिए मिला और किस सन में मिला, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है याद करने में किसी किसी को, है ना। तो हम इसको कैसे ट्रिक वाइज याद करेंगे, ट्रिक हमारी दी हुई है मैडम और जॉन फ्रेंडली है, ठीक है, मैडम और जॉन फ्रेंडली है, ठीक है ना। तो हमारा मैडम से हो जाएगा, मैडम से हमारा हो जाएगा मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, इनको फिजिक्स में पुरस्कार मिला था, ठीक है ना, नोबेल प्राइज मिला था। ध्यान सुनिएगा, वे व्यक्ति जिन्हें दो बार नोबेल पुरस्कार मिला, पीपल हु विन टू टाइम नोबेल प्राइजेस, ये उनके बारे में लिस्ट है जिनको मिला था, किस पे मिला था उस पे बेस्ड है, ठीक है। तो मैडम से हो जाएगा हमारा, मैडम से मैडम क्यूरी, इनको मिला था फिजिक्स पे, ठीक है ना, फिजिक्स, फिजिक्स में मिला था, कब मिला था, 1903 में इनको फिजिक्स में मिला था, और केमिस्ट्री में मिला था इनको, केमिस्ट्री में इनको मिला था 1911 यानी कि 1911, ठीक है, इनको किस में मिला था, केमिस्ट्री, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और जो है हमारा, और से ये जो है हमारा साइलेंट है, ठीक है, और हमारा क्या है, साइलेंट। जॉन में आते हैं, जॉन से हो जाएगा जॉन बार्डी, जॉन बार्डी, ठीक है, जॉन बार्डी, ठीक है। इनको किस चीज पे मिला था, इनको मिला था फिजिक्स पे, कब मिला था, 1956, और एक बार मिला था फिजिक्स में, वो मिला था 1970, ठीक है, 1972 में, ठीक है, 1956 में मिला था फिजिक्स में ही, और एक बार मिला था 1972 में फिजिक्स में ही मिला था, ठीक है। अब आते हैं फ्रेड, फ्रेड से हो जाएगा हमारा फ्रेड, ठीक है ना, फ्रेंड से क्या हो जाएगा, फ्रेंड, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक सैंगर, फ्रेडरिक सैंगर, ठीक है, फ्रेंड से क्या हो जाएगा हमारा, फ्रेंड रिक सैंगर, ठीक है, फ्रेडरिक सैंगर, इनको किस चीज में मिला था, केमिस्ट्री में मिला था, 1958 में, ठीक है, फ्रेंड को, फ्रेंड का, फ्रेंड से हो जाएगा फ्रेडरिक सैंगर, 1958 में, किस चीज में मिला था इनको, केमिस्ट्री में, किस में मिला था इनको, केमिस्ट्री में मिला था 1958 में, और किस में मिला था, केमिस्ट्री में ही मिला था, वो था 1980 में, ठीक है, ठीक, फ्रेंड फ्रेडरिक सैंगर, फ्रेंड से क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक सैंगर, केमिस्ट्री में मिला था 1958 में मिला था एक, और 1980 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं ली, फ्रेड हो गया हमारा, अब लेते हैं ली, ली का मीन्स होता है लीनस पालिंग, लीनस, ली से हो जाएगा लीनस पालिंग, ठीक है ना, लीनस पालिंग, ठीक। इनको किस चीज में मिला था, केमिस्ट्री में मिला था 1954, केमिस्ट्री में ही मिला था 1954, और कब मिला था इनको, शांति का प्रतीक यानी शांति में मिला था, शांति, शांति में मिला था इनको, एक प्राइज इनको शांति में मिला था 1962 में, कब मिला था 1962 में, ठीक है, एक प्राइज मिला था केमिस्ट्री में,
एक मिला था शांति के ऊपर 1962 में, किसको मिला था, ली लीनस पालिंग, इनका क्या नाम है, ली से हो जाएगा लीनस पालिंग, केमिस्ट्री मिला था 1954 में, और एक मिला था 1962 में, किस चीज में मिला था, शांति पे। अब रिवाइज कर लेते हैं ट्रिक को, मैडम और जॉन, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं, ठीक है, और हमारा साइलेंट हो जाएगा, मैडम से हो जाएगा मैडम क्यूरी, फिजिक्स मिला था इनको 1903 और केमिस्ट्री में इनको मिला था 1911 में, ठीक है। ये जो हमारे, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, ठीक। मैडम, मैडम क्यूरी से हो जाएगा, फिजिक्स में इनको मिला था 1903 में और केमिस्ट्री में इनको मिला था 1911 में, क्या मिला था, नोबेल प्राइज। जॉन, जॉन को, जॉन का हो जाएगा जॉन बार्डिन, जॉन बार्डिन को फिजिक्स में मिला था 1956 में और 1972 में मिला था फिजिक्स में। फ्रेंड, फ्रेंड से हमारा हो जाएगा, ये हो गया फ्रेंड, फ्रेंड से हमारा हो जाएगा, फ्रेंड को मिला था फ्रेडरिक सैंगर, इनको मिला था केमिस्ट्री में 1958 में मिला था और 1918 में मिला था, 1958 और 1918 में मिला था। और ली, ली से हमारा हो जाएगा लीनस पॉलिंग, लीनस पॉलिंग को मिला था केमिस्ट्री में 1954 और शांति के प्रतीक यानी शांति में मिला था 1962, ठीक है ना, 1962 में मिला था इनको, ठीक है। ये सारे मैं रिवाइज के लिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। अगली ट्रिक है हमारी, ट्रिक क्या है, 20 अक्का, ठीक है। ये देख लीजिए, ये प्राइज अवार्ड है, मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकों के नाम, मान बुकर प्राइज विनर इंडियन, विनर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 20 से हो जाएगा 20, 20 का हम लोग ले लेंगे बी, ठीक है, 20 का ले लेंगे बी, 20 हो जाएगा बी एस नायपाल, बी एस, बी से क्या हो जाएगा, बी एस नायपाल, ठीक है, बी एस नायपाल, इन्होंने बुक लिखी थी 1971, ठीक है, इन अ फ्री स्टेट, 1971 इन अ फ्री स्टेट, ठीक है, 1971 इन अ फ्री स्टेट, कौन से बुक लिखी थी, बी से हो जाएगा बी एस नायपाल। उसके बाद आते हैं सर, सर से हमारा हो जाएगा सलमान रश्दी, सलमान रश्दी, सर से हो जाएगा सलमान रश्दी, ठीक है। इन्होंने लिखी थी 1981 में, इन्होंने लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी, मिड नाइट चिल्ड्रेन, कौन सी बुक लिखी थी, मिड नाइट चिल्ड्रेन, ठीक है, मिड नाइट चिल्ड्रेन उन्होंने लिखी थी 1981 में लिखी थी इसने, सलमान रश्दी ने। उसके बाद आते हैं ए, ठीक है, ए से हमारा हो जाएगा अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय, स्मॉल थिंग, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। ए से है अरुंधति रॉय, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, कब लिखी थी, 1997 में। एक बार हमने इसको इसलिए रिपीट किया क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बीच में आ जाता है, उसके लिए माफी चाहेंगे। उसके बाद आते हैं के, के से हमारा हो जाएगा, के से हो जाएगा किरण देसाई, किरण देसाई, किरण, किरण देसाई, ठीक है, देसाई, किरण देसाई, इन्होंने लिखी थी 2006 में, था इन Inheritance of Laws, the Inheritance of Laws,
इन्होंने कब लिखी थी, 2006 में, ठीक है 2006 में लिखी थी इन्होंने। कौन सी बुक लिखी थी? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है। इसके बाद आते हैं ए, लास्ट क्या है हमारा, लास्ट बस है, उसका नाम अरविंद अडिगा, अरविंद ए से हो जाएगा, अरविंद अडिगा, ठीक है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी 2008 में लिखी थी, द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट 2008 में लिखी थी द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर, ओके। कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने, लिखी थी अरविंद अडिगा, 2008 में लिखी थी द व्हाइट टाइगर। एक बार रिपीट कर देते, ट्रिक है हमारी 20 अक्का, बी से हो जाएगा, बी एस नायपाल, इन्होंने 1971 में लिखी थी इन अ फ्री स्टेट, और उसके बाद है सर, सर से हो जाएगा सलमान रश्दी, उन्होंने कब कौन सी बुक लिखी थी 1981 में लिखी थी मिडनाइट चिल्ड्रन। उसके बाद आते हैं ए, ए से हो जाएगा अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय 1997 में लिखी थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ओके। उसके बाद आते हैं के, के से हो जाएगा किरण देसाई, 2006 में लिखी थी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। उसके बाद आते हैं, फिर से आ जाता है ए, ए से आ जाएगा अरविंद अडिगा, 2008 में लिखी थी उन्होंने द व्हाइट टाइगर, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, ओके दोस्तों, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, थैंक यू क्लास।